हर वक्त शाना बिशाना पूरा मीडिया हमारे साथ रहा है और पूरी गवर्नमेंट तक हमारी बातें पहुंचाई है, हमारी जरूरत जितनी भी थी सारी गवर्नमेंट के साथ पहुंचाने के लिए मैं सारा मीडिया का, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जो इस जो हमारे जी ऐसा है कि हम आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसलिए बुलाई गई है कि हमारे जो रेट्स हैं वो रिवाइज हुए हैं। हमारा शाना बिशाना रेलवे स्टेशन बंद रहा या कोविड के कारण बाकी सारे धंधे बंद रहे, उसमें जो वक्तन वक्तन आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, आप लोगों ने मेरे को हर वक्त कवर रखा है, उसका मैं आपका सबका ही धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। और आइंदा भी मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप हमारा साथ देते रहेंगे और गवर्नमेंट के कान खोलते रहेंगे। क्या क्या डिमांडें थी आपकी? जो हमारी डिमांडें तो बहुत सी हैं और जल्दी ही जल्दी हम एलजी साहब से मिलने वाले हैं तो वहां पर सारी डिमांडें रखेंगे। हमारी डिमांडें मानने के लिए गवर्नमेंट को मनाना पड़ेगा, आपके थ्रू भी मनाएंगे, आपके माध्यम से भी मनाएंगे और हम खुद भी पूरा प्रेशर डाल के मनाएंगे। इसी वजह से हम लोग आज एक स्टेज पर खड़े हो गए हैं, आगे ऑटो टैक्सी जम्मू कश्मीर के सभी एक प्लेटफार्म खड़े हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट को झुकना तो पड़ेगा। हमारे नुकसान जो हुए हैं, वैसे तो हम नुकसानों की भरमार है, 31 सालों से हम 89 से जूझ रहे हैं, जो कभी मिलिटेंसी है, कभी बॉर्डर डिस्टर्बेंस है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, तो लिहाजा इतने नुकसान झेलने के बाद भी हम अभी तक सांस ले रहे हैं, ये भी भगवान का शुक्र है। और आइंदा हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे नुकसान हुए हैं इसकी भरपाई हो जाए, 2 साल के लिए हमारे पूरे के पूरे टैक्स माफ हों, टोकन टैक्स, परमिट फीस, फिटनेस फीस, इंश्योरेंस, ये सब के पैसेंजर टैक्स, ये सब के सब माफ होने चाहिए। और पैसेंजर टैक्स की बात बताऊं कि ड्यूटी में पैसेंजर टैक्स होता ही नहीं है, ये बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए पैसेंजर टैक्स का आर्डर। लिहाजा मैं मेरे साथी श्रीनगर से प्रेसिडेंट हैं जावेद जी और ये ऑटो यूनियन के हैं श्रीनगर से शौकत साहब और ये चिनाब वैली से हमारे साथ, ये सभी लोग हम इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं, टैक्सी ऑटो यूनियन J&K स्टेट की एक प्लेटफार्म पर आ गई है। ये आपको बता दें कि गवर्नमेंट को हमारी बातें सुननी पड़ेगी, लिहाजा मैं दोबारा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें बड़ा सराहा है, बड़ी हिम्मत दी है। हम सब, मेरा नाम रोह मोहम्मद एंगर है, मैं जनरल सेक्रेटरी कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी कैब फेडरेशन का हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ शाना बशाना हमेशा खड़ा रहते और आइंदा भी खड़ा रहेंगे। उसके बाद हम हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी मांगों पे काम करना स्टार्ट किया। जैसा कि 19% हाइक हमारी होगी उसका कल ऑर्डर आ गया और हमारी जो देर से मांगे हैं वेवर ऑफ पेनल्टीज, वेवर ऑफ टोकन टैक्स एंड इंश्योरेंस और बहुत ज्यादा काम हमारे यहाँ गवर्नमेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारा काम इसी तरह शाना बशाना हमारे साथ खड़ा रह के हमारे मांगे पूरी करेगी।